हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा सात का महान व्यक्तित्व यूपी बोर्ड का पाठ 26। पाठ का नाम है बाबा गंभीर नाथ। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का सारांश लिया है, तो चलिए देखते हैं सारांश। बाबा गंभीर नाथ का जन्म जम्मू एवं कश्मीर राज्य के एक प्रसिद्ध परिवार में हुआ था। ये बहुत ही सरल स्वभाव के थे। युवावस्था में ही इन्हें सांसारिक जीवन से वैराग्य उत्पन्न हो गया। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जम्मू और कश्मीर राज्य के समृद्ध परिवार में। ये बहुत ही सरल स्वभाव के थे। जब ये युवावस्था में थे, तभी जो जीवन का मोह माया है, ये सब त्याग कर वैराग्य यानी साधु का वेश धारण कर लिए। नाथ संप्रदाय के एक सन्यासी ने इन्हें उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर में स्थित गोरखनाथ मंदिर के महंत से दीक्षा लेने की सलाह दी। गंभीर नाथ उस नाथ सन्यासी की सलाह को मानकर गोरखपुर के गोरखपीठ के महंत बाबा गोपाल नाथ जी से मिले और उनसे दीक्षा प्राप्त की। इन्होंने गोरखपीठ में रहकर अनेक हिंदू धर्म ग्रंथों का गहनता से अध्ययन किया। इन्होंने अनेक तीर्थ स्थलों की यात्रा की। इन्होंने अपने सिद्धियों का उपयोग केवल मानव कल्याण के लिए किया। बाबा गंभीर नाथ बहुत अच्छा सितार बजाते थे तथा सितार की धुन पर भजनों का सुंदर गायन करते थे। उनका मानना था कि सदा सत्य बोलना चाहिए, छल प्रपंच से दूर रहना चाहिए, समस्त धर्मों और संतों का आदर करना चाहिए। मानवता का कल्याण करते हुए अंत में बाबा गंभीर नाथ ने 21 मार्च 1917 को अपना नरेश्वर शरीर त्याग दिया। गोरखपुर यानी उत्तर प्रदेश के गोरखनाथ मंदिर के दिव्य शांति में और पवित्र प्रांगण में ही उनकी समाधि स्थापित है, जो शाश्वत सत्य और शांति का प्रतीक है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का सारांश देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए। धन्यवाद दोस्तों।